प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय स्वागत के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। ये वो पहला मौका था जब व्हाइट हाउस ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीयों को व्हाइट हाउस के भीतर बुलाया। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिका ने 21 तोपों की सलामी भी दी। वहीं व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए और तिरंगा लहराया। ये वो पहला मौका था जब व्हाइट हाउस ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीयों को व्हाइट हाउस के भीतर बुलाया। इससे भारतीयों की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को पहली बार सेरेमोनियल वेलकम दिया गया तो ये पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशियों के लिए खास पल बन गया। सेरेमोनियल वेलकम के लिए पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घदृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के इस प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के संविधान, उनके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी उल्लेख किया, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था। उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं स्वयं तो यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार पहली बार खोले गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुले मन से भारतीयों के कौशल और उनके सामर्थ्य की प्रशंसा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों के साथ साथ भारत रक्षा स्पेस तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम बना रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।